हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपके बिना सपोर्ट का ये चैनल ग्रो करने में काफी मुश्किल से आ सकती है और आप ये रहिए दोस्तों, सो प्लीज मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी अगर एक सब्सक्राइब आप दे दे दो। सो प्लीज मेरे चैनल को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ये वीडियो को, और वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए, और नए यूट्यूबर और पुराने यूट्यूबर हर किसी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सो प्लीज शुरू से लेकर एंड तक देखिए वीडियो और एक सब्सक्राइब तो प्लीज जरूर कर दीजिए। सो दोस्तों आज की जो टॉपिक होने वाली है, ये टॉपिक होने वाली है कि नया यूट्यूबर या फिर पुराने यूट्यूबर, कोई भी यूट्यूबर क्या करते हैं जब एक चैनल को अच्छी तरीके से ग्रो कर लेते हैं तो वो फिर दूसरी चैनल बना लेते हैं और दूसरे चैनल से भी वो पैसा अर्न करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आप एक बार फेमस हो जाते हो, जब आपको लोग एक बार में समझ जाते हैं, तो फिर आप दूसरी बार अपना चैनल को ग्रो करने के लिए ज्यादा मुश्किलें के सामना नहीं करना पड़ता, जिस कारण से आप बहुत जल्द ग्रो कर जाते हो। और आप उसके बाद फिर क्या करते हो कि और भी एक दो चैनल बना लेते हो। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम जो होता है जैसे कि फायदा, डबल फायदा होता है तो इसमें नुकसान भी डबल होती है। तो दोस्तों क्या नुकसान है, चलिए इसको बारीकी से समझ लीजिए, वरना हो सकता है कि आपकी एक चैनल के साथ साथ दूसरी चैनल भी डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे डिलीट होगा, चलिए ऐसे माइंडफुली माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके ये बात को सुनिए। दोस्त आप जब भी कोई यूट्यूब चैनल बनाते हो, यानी एक मोबाइल में लॉगिन रहता है, और उसके साथ साथ क्या करते हो, आप दो तीन ईमेल आईडी बनाते हो। लेकिन दोस्तों जब ईमेल आईडी बनाते हो तो उसके लिए कौन सा सिम का यूज करते हो, वही सिम का यूज करते हो जो सिम आपके फोन में लगा हुआ है। यानी अगर मान के चलिए आपकी दो सिम लगती है फोन में, तो आप दोनों में से किसी नंबर के थ्रू आप ईमेल आईडी बनाए हो। तो दोस्तों यहाँ पे बात यह हो जाता है कि आपकी जो रिकॉर्ड है, यानी पता चल जाता है कि ये कौन सा फोन से बना हुआ है, कौन से नंबर से बना हुआ है, और ये नंबर कौन सी फोन में लगी हुई है। तो ये सारी चीज आपसी में एंगेज रहता है, आपसी में ये सारी चीजों की कनेक्शन रहती है, जिस कारण से क्या होता है, कल को अगर मान के चलिए आपके एक चैनल को कोई वायलेंस या फिर कोई आप गाइडलाइन को तोड़े हो या फिर क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किए हो, जिस कारण से हो सकता है आपके चैनल को डिलीट कर दे यूट्यूब। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, आपकी एक चैनल के साथ दूसरी चैनल फ्री, यानी एक चैनल डिलीट होने के साथ साथ आपकी दूसरी चैनल भी स्वाहा हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात है कि आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप एक चैनल को ग्रो कर लिए हैं और इसके साथ साथ अगर आप दूसरे चैनल को भी ग्रो करना चाहते हैं, तो ये बात को ध्यान से सुनिए कि आप दूसरे चैनल को दूसरे नंबर से ईमेल आईडी बनाइए, और उस चैनल को आप क्या करिए, दूसरे फोन में लॉगिन करिए। दोस्तों आप अगर घर में दो दो फोन है या फिर तीन तीन फोन है, तो आप एक काम करिए, आपकी सारी ईमेल आईडी एक ही फोन में लॉगिन मत करिए। क्योंकि हो सकता आने वाले समय में आप अगर यूट्यूब की क्राइटेरिया, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाते हो, तो आपकी एक चैनल डिलीट होगा, उसके साथ साथ वो चैनल भी डिलीट हो जाएगा जिसमें आपकी वही फोन नंबर से बनाया हुआ ईमेल आईडी लॉगिन है। तो दोस्तों ये रही आज की बात, सो प्लीज आप क्या करिए, जो भी नया यूट्यूबर्स हैं या पुराना यूट्यूबर्स हैं, आप हमेशा दो दो मोबाइल या फिर जितने आप यूट्यूब चैनल खोले हो उतने मोबाइल को अलग अलग लॉगिन करके रखिए। दोस्तों यहाँ पे एक और भी बात है कि अगर आप YouTube की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाते हो, उसकी गाइडलाइंस को तोड़ते हो, तो आपका YouTube की जो चैनल है उसे तो डिलीट कर दिया जाएगा और आपकी वीडियोस भी डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ क्या होगा, आप 30 दिन तक कोई भी नया चैनल बना नहीं सकते हो। अगर आपको नया चैनल बनानी है तो आपको क्या करना है कि आपको दूसरी फोन यानी दूसरे नंबर से आपको ईमेल आईडी बनाना होगा, वरना अगर आप उसी हैंडसेट या आप उसी डिवाइस से अगर फिर से ईमेल आईडी बनाते हो, उसी नंबर से फिर से ईमेल आईडी बनाते हो, और अगर आप यूट्यूब चैनल खोलते हो, तो उस यूट्यूब चैनल को भी डिलीट कर दिया जाएगा। सो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात और है कि ये तो कहने भर की बात है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है, लेकिन दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगी, थोड़ा सा इंस्पायर हो जाऊंगा और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये स्टार्टिंग है, सो प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। रहता हूँ फिलहाल के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।